बट वन मिनट प्रॉफिट लॉस सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा रेशियो और परसेंटेज। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने नए चैप्टर का रेशियो। जी हाँ दोस्तों, हम रेशियो में आप पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हम रेशियो पहले पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर क्या होगा? रेशियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेशियो की। रेशियो होता क्या है, कैसे बनता है रेशियो, और चलिए शुरुआत करते हैं रेशियो की। तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए तो दोस्तों, रेशियो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेशियो होते क्या है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेशियो की, तो हम रेशियो जानते हैं क्या होता है। देखो रेशियो का मतलब होता है, रेशियो मतलब जैसे मैं लिखा 7:2, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये 7/2, ठीक है, ये 7/2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो रेशियो फ्रैक्शन के इक्वल होती है। क्या कह सकते हो कि जो रेशियो है वो फ्रैक्शन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप ये निकाल सकते हो कि जो रेशियो फ्रैक्शन होती है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि रेशियो फ्रैक्शन हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन लिखूंगा 1/2। तो मैं क्या इसको 1:2 लिख सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, 1/2 इज इक्वल टू 1:2। तो दोस्तों यही आपका रेशियो होता है, दो चीजों में आपका क्या करना, अंतर करना। देखो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ये दो नोट, ठीक है, मैंने दो, एक बुक ली और एक नोटबुक ली। तो ये बुक मोटी और ये बुक पतली है, बट इन दोनों चीजों में एक ही चीज सेम है कि ये पेजेस से बने हुए हैं। मैं इनके पेजेस का डिफरेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे, यहाँ से आप एक और बात और निकालो कि ये जो चीजें होंगी ये सेम होंगी, जिनके बीच में रेशो आप निकाल रहे हो ना, उनके जो क्वांटिटी होगी, उनकी जो यूनिट होगी वो सेम होगी। आप ये नहीं कर सकते कि ऐसे के रिमोट के साथ आप नोटबुक का कंपेरिजन कर रहे हो। दोस्तों ये बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे के रिमोट के साथ ऐसी ही का रिमोट ही आएगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये बात है, ऐसे के साथ आप ऐसे का कंपेरिजन करोगे, ऐसे के साथ ऐसे का रिमोट कंपेरिजन नहीं होगा। लाइट के साथ लाइट कंपेरिजन होगा, किलोमीटर के साथ किलोमीटर कंपेरिजन होगा, मीटर के साथ मीटर कंपेरिजन होगा। जब किलोमीटर आया और आपका ये, जैसे मानो कि ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो क्या ये रेशियो हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे या तो आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर आपका जो है निकलता है रेशियो। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि रेशियो होता क्या है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में इसको समझते हैं सबसे पहले कि रेशियो क्या चीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ बेसिक रेशियो होता है उसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। हमें पहले बताया कि रेशियो की जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए, तो इसी में बेस्ट है क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला फाइंड द रेशियो, बोलते कि इनका रेशियो फाइंड कर दो। तो देखो ए का आपका, ए का जो आंसर है, अगर हम उसमें ए का करें, देखो उसमें देखो क्या होगा, माफ करना मेरे पास इंक जो है वो खो गई है, इसलिए थोड़ा मार्क का थोड़ा ऐसे चल रहा है, माफ करना, ठीक है। तो ₹5.50, ठीक है, ₹5.50, यानी कि आपको करना है ₹5:50, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों देखना ध्यान से देखो, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे देखो ₹5.50 है, दोनों के जो यूनिट है वो सेम नहीं है। अगर आप कुछ इस तरह कर दोगे ना कि आप 5/50 लिखोगे, अच्छा ये 5/50 क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो रेशियो ही होता है, फिर रेशियो जो होता है फ्रैक्शन होता है, कुछ भी मान लो, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/10 आ जाएगा, और ये आपका कुल, दोस्तों अगर आप 1:10 लिख के आप कॉपी में छोड़ाओगे तो आपके इसमें 0 नंबर मिलेंगे। फिर आप सर से पूछते रह जाओगे, सर ये हमारा गलत कैसे हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका गलत ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो यूनिट थी वो अलग अलग थी और आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों अगर आप ऐसे छोड़ोगे आओगे ना तो गलत हो गए। देखो तो अगर इन क्वेश्चन को करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले इनके यूनिट सेम बनाओगे। तो अगर यूनिट सेम बनानी है तो पैसे उसे रुपीस में कन्वर्ट कर दो, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दो, बाद आपके, मैं तो रुपीस को 5 पैसा में कन्वर्ट करूंगा, मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो वो रुपीस है और पैसा है, ठीक है। तो वो रुपीस और पैसा है कैसे कन्वर्ट होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो हम ले सकते हैं कि 1 रुपीस, एक बार दोस्तों मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ दूसरा मार्कर लाने के लिए।
तो एक बार रुकना दोस्तों, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मार्कर लेके। और अभी मैं मार्कर तो दोस्तों वही मैंने इसमें जो पुराने वाले जो डब्बे थे उनको खाली हो चुकी है दोस्तों, ये देख लो एकदम थोड़ी सी इसमें बची हुई थी वो उसको मैंने यूज कर लिया है। तो चलो इसको अपने साइड में, अभी इस क्वेश्चन में जितने हमने डाली उस क्वेश्चन में ये वीडियो भी हो जाएगा आपसे। देखो तो सबसे पहला है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करो। देखो हमने क्या बताया कि यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट सेम कैसे करेंगे वो आपको आता होगा। देखो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि जो ये फाइव है दोस्तों, देखो अभी यहाँ पे रुपीज क्या है, ये फाइव है। अच्छा यार ये भी सही सही चल जाता, और इसको रेशियो में लिखना है 50 पैसा से, तो ठीक ठाक चल गया क्या 50 पैसे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर आप बात करें रुपीज फाइव और 50 पैसे की तो कैसे करेंगे। देखो अभी देखो मैं कह सकता हूँ, मैं बैठ गया क्योंकि मैं छोटा यार, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक रुपया होता है यानी कि रुपये वन होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है, एक भले एक से ना वो एक आदमी 100 के बराबर है, एक आदमी 100 आदमी के बराबर है, समझा करो ठीक है। और फिर आप मैं कह सकता हूँ कि जो 5 रुपये होंगे वो कैसे होंगे, 5 × 100 होंगे, उसी तरह कह लो 5 × 100 करना पड़ेगा क्योंकि एक आदमी 100 के बराबर है, तो पाँच आदमी 500 के बराबर होंगे ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज 5 = 500 पैसा, तो यहाँ पे हो गया। तो अभी यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है, तो मैं लिख सकता हूँ 500 ratio 50, फिर यहाँ पे कट जाएगा 1 और यहाँ पे 10, फिर 10 ratio 1 हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि फ्रैक्शन हो सकती है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ से काट सकते हो, तो यहाँ पे भी 10 ratio 1 ही आता है ठीक है। देखने का कैमरा दिख रहा है नहीं दिख रहा, वैसे आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब बी पे देखो, बी का कैसे होगा, बी का दोस्तों कैसे होगा, 15 kg to 210 g ठीक है। तो देखो अभी आपका है 15 kg और 15 kg और 210 g, तो देखो अभी मैं कह सकता हूँ कि ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, दोनों के यूनिट जो है वो बिल्कुल सेम नहीं है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं करना चाहूँ तो देखो क्या करूंगा कि देखो अगर मैं 15 kg है ये, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 kg = 1000 g ठीक है। तो यहाँ पे 15 kg = 15 × 1000 g, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 kg = 15000 g। और फिर यहाँ पे मैं इसको आराम से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 ratio 7। आप इसको फ्रैक्शन में लिख के भी कर सकते हो किस तरह, देखो मैं बुधवार समझा, तो 15000 लिखोगे फिर उसके नीचे 210 लिखोगे और फिर ये 7 और ये 500, तो यहाँ पे भी 500 upon 7 लिख दूंगा। देख लेना मैं बैठ इसलिए क्योंकि नई जगह यहाँ पे बेड है और यहाँ पे मुझे बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, सही भी लगता है ठीक है। तो ये था आपको कुछ बेसिक लेवल, और ये तो आपको क्वेश्चन जो है ये आपको होमवर्क करना है और कमेंट में लिख देना है इनके आंसर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बांटना, आपको रेशियो बांटने हैं तो कैसे बांटेंगे वो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं रेशियो कैसे बांटते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप दोस्तों रेशियो को बांट रहे हो, रेशियो कैसे बांटते हैं, देखो मैं लिखता हूं आपकी मम्मी आपको दे रही है 280 रुपए, किस किस में से आपको दे रही है 280 रुपए, आपके बटवे उनके बटवे में से पॉकेट मनी समझ लो, बट आपके एज के हिसाब से दे रही है। वो कह रही है कि तुझे राम है ना, राम को मिलेंगे कितने और श्याम को मिलेंगे इतने, कितने मिलेंगे वो हमें नहीं पता, बट हमें बताया है कि उनकी जो रेशियो है वो 2 ratio उसने 5 में बांटा है, उनकी मम्मी ने जो बहुत अच्छी मैथ पढ़ती है उन्होंने उसको बांटा है 2 ratio 5 में। तो अभी इसने कैसे बांटा राम और श्याम में, एक वाली पैसे एज के हिसाब से, तो चलिए हमें ये जानना है कैसे बांटते। देखो देखो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जो दो हमें रेशियो दिए गए जितने भी उनका हमें टोटल करना है ठीक है, टोटल फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5 = 7 ठीक है। और अभी आपको देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, अभी आपको फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन के ही होता है। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे पता चल गया कि इनका जो टोटल आएगा 7, तो मैं राम के पैसे यहाँ पे निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, देखो इनका जो रेशियो राम का रेशियो क्या है
राम का रेशो 2 है, ठीक है, तो 2 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नीचे आपको जितना टोटल आया ना उतना लिख देना है, जितने भी रेशो टोटल है उसका लिख देना है नीचे, ठीक है। और फिर आपको नीचे लिख देना है आपका जितने पैसे आपको बांटने हैं, तो हमें बांटने 280 रुपीज, और ये एमसीक्यू में लिखा था, अच्छा ठीक ठीक आ गया, ठीक है। फिर ये 1 और ये गया 40, और अच्छा तो 40 280 रुपीज होता है, तो भाई साहब राम को मिलेंगे 280 रुपए में 80 रुपीज, ठीक है। और अभी बात आती है शाम की, शाम को कितने मिलेंगे देखो, शाम को कितने मिलेंगे दोस्तों, शाम को यहाँ पे मिलेंगे 5, यहाँ पे देखो क्या मिलेंगे 5, उसका रेशियो हो गया टोटल 7 हो गया, नीचे आपको 280 लिख देना है मल्टीप्लाई में, और अब टोटल 40 इनको काटेंगे तो 40 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 200 रुपीज। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो शाम है उसको 200 रुपीज मिल जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि जो शाम है उसको मिलेंगे 200 रुपीज, और जो राम है उसको मिलेंगे 80 रुपीज। अच्छा अगर यहाँ पे 3 हो तो क्या करते हैं, जो 3 होते हैं तो क्या करते हैं, तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके आपके बार मम्मी के पास है 1500 रुपीज, और आपकी बार आ गई आपकी तीसरी बहन आ गई, एक बहन जो थी वो गई हुई थी कहीं पे, वो आ गई यहाँ पे आपकी बार, तो उसको भी आपको देना पड़ेगा, तो क्या हो गया आपकी बार रेशियो बेटा राम और शाम में से, तो ये तो थे ही पिछले बार भी, और इनमें जो था अभी राधा जुड़ गई, चलो मानो कि राधा थी इनकी बहन वो जुड़ गई, ठीक है। राम श्याम राधा, ठीक है, सीधा उत्तर जो सीधा था, ठीक है। तो राधा अब देखो जुड़ गई, तो मैं इनके जो रेशो थे वो सेम रहेंगे 2 5, और राधा का कर हो जाएगा 8, वो सबसे बढ़िया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इनके जो बटेंगे वो उठेगा 2:5:8, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना था, टोटल करना था, वही आपका, वही आपका टोटल इनका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या मेथड, टोटल इनका हो जाएगा 2 + 5 + 8, ठीक है, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। अभी इनका टोटल जो आएगा वो आएगा 15, ठीक है। तो अभी मैं इसको कह सकता हूँ कि राम को कितने मिलेंगे, राम को कितने मिलेंगे, माफ करना, राम को मिलेंगे 2/15 × 1500, फिर ये गया 100 से, और ये हो जाएगा 200 रुपीज, जो पिछली बार शाम को मिले थे वो की बार राम को मिलेंगे, ठीक है, 200 रुपीज मिलेंगे। अच्छा जी अब की बार शाम को कितने मिलेंगे, वो शाम को वो कैसे मिलेंगे, शाम को देखो इसी तरह प्रोसेस हम चलेंगे, शाम को वो कैसे मिलेंगे, अब देख लेते 5/15 × 1500, ये फिर से 100 से जाएगा और ये हो जाएगा 500 रुपीज। तो मैं कह सकता हूँ कि अब की बार शाम को जो है 1500 में से 500 रुपीज मिलेंगे, तो राधा कितना होगा वो आप बताना कमेंट में। और अभी हम बात करते हैं अगली वीडियो की, अगली वीडियो में क्या होगा दोस्तों, ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। रेशियो को पूरा हो चुका है क्या, नहीं दोस्तों रेशियो नहीं हुआ है, रेशियो पार्ट 1 नहीं आएगा, आपके पास परसेंटेज आएगा, परसेंटेज में रेशियो होता है वो बात करेंगे रेशियो परसेंटेज की। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रेशियो जो है वो खत्म हो चुका है, बात करेंगे अगली वीडियो परसेंटेज की। तो बाय बाय दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरा लाइक टारगेट है वो है 100 का, और सब्सक्राइब टारगेट है 100 का ही, तो प्लीज दोस्तों जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए, और सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को धोते रहिए, और बाय बाय, कैसे हैं आप लोग, हाथ धोते रहिए, और बाय बाय, अगली वीडियो में परसेंटेज आपको क्लियर हो जाएगा, थैंक यू, बाय बाय।